उधर नूह के पुनहाना विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के विकास करवाने में भेदभाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि आलाकमान ने जो जिम्मेदारियां दी हैं उन पर पूरी तरह खरा उतरूंगा। मैं हाईकमांड का शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे ऐसा मालूम एहसास हो रहा है कि आने वाले भविष्य जो है हरियाणा प्रदेश में जो है वो कांग्रेस का उज्ज्वल भविष्य होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस के टिकट पर जो है आज हमें सिंबल अलाउट हो गया है और अब हम इलाके में अपने जो है कर्म सीख रहा हूँ। क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच में जाने के लिए? हाँ जी, क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच में जाने के लिए? सारे ही मुद्दे हैं। रईसा ने जो कुछ किया अपने अपने पीठ को बना है, इलाके को लूट के पटक दिया, इलाके को सम्मान नहीं दिया और अगर हमें अगर लोगों ने आशीर्वाद दिया, हमें अगर हमारा साथ दिया, हमें अगर चौकीदार बनाने का काम किया तो हम लोगों की जो है बढ़ चढ़ जिस तरह मेरे वाले साहब मरहूम चौधरी रहीम खान ने खिदमत की थी उसी तरीके से मैं लोगों की खिदमत करूँगा।